Let's call it in the crossfire. तो दोस्तों, मोहित व्लॉग्स में आपका स्वागत है। हम आ चुके हैं लाल किला में। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा लाल किला, रेड फोर्ट। यहाँ से मैं टिकट लेके आता हूँ, देखते हैं कितने रुपए की टिकट मिलती है। ये लाल किला की दीवार है, ये देखो लाल किला की कितनी ऊँची ऊँची दीवार है। मतलब पब्लिक आ रही पूरी। मैं एक बार टिकट ले आता हूँ, फिर बताता हूँ कितने की मिलती है टिकट। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमने दो पर्सन की टिकट ले ली है। अभी हम जा रहे हैं रेड फोर्ट। अभी अंदर जाएंगे 1 किलोमीटर, फिर देखते हैं। दोस्तों अभी लाल किले के सामने आ चुके हैं, अभी जाएंगे अंदर। चलो भाई, तो मुख्य द्वार है, एंट्री गेट लाल किले का। तो भाई यहाँ पे तो रखी है। अभी यहाँ से मंदिर जाएंगे। तो पुराने टाइम में तो असली है, नकली तो नहीं है। देखिए असली नहीं है, है? देखिए कैसी तो लाल किले का असली गेट। सर याद है मेरा, देखो देखो कितना ऊंचा किला है दोस्तों। अभी आगे अंदर जाके भी दिखाएंगे, मोहित व्लॉग्स में बने रहिएगा। ये अंदर जाते ही देखो बाजार आ गया। पहली बार देखा मैंने तो बाजार यहाँ पे। मैं 20 साल पहले आया था, जब तो कोई बाजार नहीं था यहाँ पे, पुलिस वाले खड़े रहा करते। अब देखो बाजार है यहाँ पे। छत देखो कैसी है, खन्नी देख। देखो दोस्तों खुला आ गया, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों नौबत खाना। अच्छा एक बार और देख लो, क्योंकि वो दोनों लाइन पे वेट कर रहे हैं बस। ये दोस्तों नौबत खाने की पिछली दीवार लोग लगा रखे हैं। पुराने टाइम का यहाँ पे ढोल नगाड़ों से स्वागत करते थे अतिथि का। दोस्तों लाल किले की अंदर की वो बोलते इसको, यहाँ आदमी बैठता था। अभी पढ़ के बताऊंगा पूरा डिटेल। अभी थोड़ी मेरे बच्ची चल रही, बहुत अच्छा बना रखा है अंदर से। महल टाइप यहाँ पे दीवाने आम है, यहाँ पे दीवाने आम होते ही। दीवाने आम मतलब वो ये आम नागरिक कक्ष है, जहाँ से आज जहाँ 1628 आम जनता से मुलाकात उनके शिकायत सुनते थे। छाने के और आंगन से 31 कक्ष में पूरे चारों छत्ता कक्ष में है, जिसकी मुखिया का कार्य करने का वृक्ष किया जाता है। वर्तमान में पश्चिम दीवार या अदालत है, अदालत देखो अदालत। ठीक है ये दोस्तों, ये जो फरमेल हो गया, इस्लामाबाद दो हो गया, वो एक ये हो गया। ये देखो बीच में बना रखा बिल्कुल, ये बाग के बीच में देखो नहर, ये बहिष्ट गुंडा गया था। वो त्रेड आ रही है भाई, हल नहीं पर कितो कभी नहर है, इसके तो रहना